दोस्तों आज मैं ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाला है जिसका सबसे छोटा साइज है, जिसका साइज है 12x15। जी हाँ दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर हमने ये मॉडल डिजाइन किया है और विद कार पार्किंग। सबसे बड़ी बात यह है कि 12x15 में मैंने एक ऐसा घर डिजाइन किया है जिसमें आप कार पार्किंग भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लान है, आप बने इस वीडियो में लगातार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे यही पूरा साइज है। अगर हम फ्रंट की बात करें तो आपको ये लुक ऐसा दिखने वाला है, टॉप व्यू ऐसा दिखेगा और साइड से आप ऐसा देख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है, इसमें सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, लेटरिन भी अवेलेबल है, बाथरूम भी अवेलेबल है, बाथरूम और किचन और आपका बेडरूम भी अवेलेबल है। यहाँ पर स्टेयर्स भी आपको मिलती है, विद कार पार्किंग मिलता, मतलब एक कंप्लीट घर, जो एक बेसिक नीड होती है घर की, वो एक कंप्लीट घर आपको यहाँ पर डिजाइन किया है। तो बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूँ पवन झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंडों के लिए। तो चलो पूरा मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। इसका साइज है 12 फिट इसकी चौड़ाई दोस्तों और लंबाई है 15 फिट। हालांकि बहुत ही छोटा प्लान है क्योंकि 12x15 का रूम होता है ना कि घर। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हर टाइम की तरीके से मैं आपको सबसे पहले इसको ट्रांसपेरेंट करके दिखा देता हूँ ये मॉडल। जैसे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो देखिए ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है ट्रांसपेरेंट करके। यहाँ पर आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंसी, दीवारें हाइड हो जाती हैं और सब कुछ आपको दिखने लगता है पूरा ये घर का डिजाइन। तो चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके हम डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो मॉडल, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो फ्रंट से ये ग्राउंड फ्लोर ऐसा दिखेगा और साइज की बात करें 12 फिट है तो यहाँ पर मैंने ग्लासेस लगा दिया है, विंडो साइड से आप मेन गेट भी है, साइड में विंडोज भी है। और ये आप चाहें तो यहाँ पर आप बड़ा सा गेट लगवा सकते हैं क्योंकि अगर आप कार पार्किंग करनी तो आपको बड़ा सी गेट की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे आप इंटर करते हैं तो नीचे सिर्फ कार पार्किंग ही रहेगा 12x15 में, और आप मैंने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। और आपका यहाँ पर अगर स्टेयर्स की बात करें, सीढ़ियों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ना तो मतलब कि वो वाली सीढ़ियाँ नहीं बन पाएंगी, यहाँ पर आपको जो एक पोल में सीढ़ियाँ होती वो ही लगानी पड़ेंगी। वो आप बाहर से जैसा कि देख पा रहे हो, देखिए राउंडेड वाली सीढ़ी एक पोल के अकॉर्डिंग जो लोहे की बनी होती है और वो आप लगा सकते हैं, या तो अंदर से चाहें अगर आपके सामने जगह नहीं है, थोड़ी सी भी अगर आपके कॉर्नर में जगह है 2 से 3 फिट की, तो कॉर्नर में आप ये सीढ़ी मतलब कि एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वैसी वाली सीढ़ी बनाएंगे जो नॉर्मली होती है तो आपका स्पेस बहुत ही ले लेगा और वो जो कि पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये तो सिर्फ यहाँ पर कार पार्किंग होगी और कोई डिजाइन नहीं किया, फ्रंट लुक ऐसा दिया है मैंने। और आप इसके बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर के बारे में। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, देखिएगा फ्रंट से आपको फर्स्ट फ्लोर ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये जो साइज था 12 फीट टोटल चौड़ाई था, तो उसमें मैंने 8x10 का ये रूम डिजाइन किया है, 8x10 का। ओके, ये बेडरूम जो आप देख रहे हैं 8x10 का बेडरूम है। और जो ये जगह बचेगी लगभग 4 फिट में, इसमें मैंने ये किचन डिजाइन कर दिया है। और आप किचन का गेट ये है और बेडरूम का जो बात करें ये वाला गेट है। और किचन के ऊपर मैंने ये दुछत्ती टाइप की बना दी जिसमें आपका जितना भी कबाड़ वाला सामान हो, खराब सामान हो, इसके ऊपर एडजस्ट कर पाए। अगर हम साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपके ये जो रेड कलर का वॉल है और यहाँ पर गेट लगा है, इस वाले एरिया में 4 फिट चौड़ाई में लेटरिन बाथरूम आपका कंबाइंड है, आप देख सकते हैं। फिलहाल लंबाई तो उसकी काफ़ी लगभग 8 फिट है, काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चौड़ाई थोड़ी सी कम है 8 फिट, क्योंकि यहाँ पर आपको गेट भी देना था और पूरा सब कुछ एडजस्ट करना रहता है। तो ये पूरा मॉडल जो मैंने आपको बताया, गेट 2.5 फिट के यहाँ पर आप दे सकते हैं क्योंकि जगह कम होने के कारण आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक बेडरूम हो गया, ये आपका लेटरिन बाथरूम हो गया, ये आपका किचन हो गया, और ये आपका थोड़ा सा स्पेस भी बच जाता है जहाँ पे आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल था जिसका साइज था 12x15। हमारे एक सब्सक्राइबर तो उनके कहने पर डिजाइन किया और बहुत ही छोटा घर है लेकिन बेहतरीन घर, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लोर मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ स्टेयर्स ऊपर 2.5 फिट की रेलिंग, 2.5 से 3 फिट की रेलिंग दे दी और स्टार्टिंग में। और ये आपको विंडो फ्रंट में आपको मैंने एक ग्लासेस वाला विंडो दे दिया है जिसमें वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम ना हो। और ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट है जो मैंने डिजाइन किया है। तो ये पूरा प्लान था जिसका साइज बहुत ही छोटा था दोस्तों, 12x15, आपको भी पता होगा इतने में कोई घर नहीं बनता है। बट हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मैंने डिजाइन किया। अगर आप भी चाहते हैं कोई स्पेसिफिक मॉडल तो आज हमें कमेंट करके बताया था। अगर आप और भी मॉडल देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसका डोमेन नेम भी है smallhouseplan.com। यहाँ पर जैसे आप आएंगे देखिए बहुत सारे मॉडल आपको मिल जाते हैं, लगातार मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पर आके ये मॉडल
मॉडल भी चेक कर सकते हैं और इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लें। थैंक्स।